मैंने सोचा नहीं था कोई ऐसे लिख के भी देगा मुझे, तो काफी अच्छा गिफ्ट लगा मुझे। और ऊपर देखो एक कप, इसका ऊपर का डिस्प्ले, यहाँ पे इसके पैर भी नहीं पहुँचते दोस्तों। अभी ये फोटो खिंचवा रही थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अगर ये गिरा देगी तो फिर बताऊंगा मैं इसको। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों आज का व्लॉग भाई इतने अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी देख रहे हो आप 6:52 हो रहा है, 7 बजने वाली सुबह के, और अभी मैं सुपर कॉरिडोर आया हुआ हूँ। देख रहे हो आप सुबह सुबह मस्त कोहरा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। तो देख रहे हो अभी सूरज भी नहीं निकला, सूरज निकलने वाला है। और देख रहे हो, अरे ट्रक भाई जल्दी निकल जा। मस्त ठंडी ठंडी हवा और मस्त जो सुबह की वाइब तो अलग ही होती है भाई। एक्चुअली दोस्तों आज मेरे साथ हुआ क्या, मैं रात भर से सोने की बड़ी कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी यार। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को टेक्स्ट भी किया भाई, कोई जगह आए क्या, कोई जगह आए क्या, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था। सो रहे थे सुबह 5 बजे तक, मैंने पूछा किसी से कोई जगह आओ तो यार बाहर चलता हूँ, बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था यार, सो ही नहीं पा रहा था मैं, कई घंटे तक लेट हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा गाड़ी निकाल लो, जब कोई नहीं उठ रहा था अपने पास गाड़ी है, गाड़ी उठाई मैंने और मैं आ गया। और पोए जलेबी लेके आया था, मैंने पोए जलेबी खाऊंगा कॉरिडोर पर अकेले बैठ के सुबह सुबह। तो मुझे ख्याल आया जब पोए जलेबी खा रहा हूँ कॉरिडोर जा रहा हूँ तो क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों को दिखाते हैं कि सुबह सुबह का कैसा सीन होता है यहाँ पे। तो बढ़िया मस्त हरियाली है और ठंडी ठंडी हवा चल रही, काफ़ी सारे लोग साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। देखो पोहे जलेबी, पोहे जलेबी का कॉम्बिनेशन बड़ा फेमस है वैसे भी इंदौर का, आपको पता ही होगा। तो मैं खाता हूँ पोहे जलेबी और आप लोग देखो टाइम लैप्स, ठीक है। अपने पोए जलेबी हो चुके हैं ख़त्म और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अब धीरे धीरे गर्म होती जा रही है क्योंकि धूप भी तेज़ होती जा रही है। और अब अपन चलते हैं रूम पे। और एक बात तो है यार, अकेले बैठ के शांति में और कुछ भी सोचने का या मतलब पीसफुली बैठने का एक अलग ही मज़ा है। जब कोई साथ में होता तो आप इतने पीसफुली नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ बातें होती है। जब से मैं अकेले बैठा हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही जो मैं सोच रहा था, जो आप अकेले बैठ के सोचते हो ना तो अच्छे से सोच पाते हो, लाइक अपनी लाइफ के बारे में या जो भी चीज़ आपको करनी है वो सब थोड़ा क्लियर करना माइंड में, क्या ये करना, ये वैसे करना, तो अच्छा लगा। ठीक है नींद नहीं आई रात में, लेकिन अभी थोड़ा मॉर्निंग अच्छी गई मेरी। तो अब मैं निकलता हूँ भाई रूम के लिए, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है भाई। अभी मैं हूँ रूम पर और अभी आपको मैं कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो दिखाने वाला हूँ। पहले तो है अपनी गाड़ी की कीरिंग जो मैंने अपनी कस्टमाइज़ करके बनवाई है अपने गाड़ी के नाम पे, मुन्नू, MUNNU मुन्नू, लग रहा लग रही है ना मस्त। ये अपनी गाड़ी की कीचेन हो गई और एक जो है गिफ्ट है दोस्तों जो अपने एक सब्सक्राइबर ने मुझे दिया है, और नाम तो बताने के लिए खैर मना किया है लेकिन काफ़ी अच्छा गिफ्ट है दोस्तों, मुझे काफ़ी पसंद आया। ये स्मार्ट कप है, बॉटल है 500 ml की, और मुझे लगा पहले तो स्मार्ट बॉटल है तो सिंपली मतलब स्मार्ट होगी, ठीक है टेम्परेचर वगैरह दिखाती है, लेकिन इसके ऊपर जो लिखा था वो मुझे काफ़ी पसंद आया इसलिए मैं सोचा कि आपको भी दिखाना बनता है। सबसे पहले तो देखो ऐसा कुछ बोतल है ब्लैक मैट में अपने गाड़ी के रंग से मिलता हुआ, और इस पर जो लिखा है दिखाता हूँ। ये देखो अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, दिलीप देव व्लॉग्स, और काफ़ी पसंद आया मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने सोचा नहीं था कोई ऐसे लिख के भी देगा मुझे, तो काफ़ी अच्छा गिफ्ट लगा मुझे। और ऊपर देख लो एक कप, इसका ऊपर का डिस्प्ले यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है, दिख रहा है आपको सीधा 28 दिखा रहा है अभी तो। बाकी देख लो बढ़िया दिलीप देव व्लॉग मस्त लिखा हुआ है, और अच्छा लगा मुझे काफ़ी ये गिफ्ट, और थैंक यू जिसने भी दिया उसको। और बस अभी तो यही है दिखाने के लिए, बाकी मैं निकलता हूँ थोड़ा सा काम है दोस्तों। आप कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, कीचेन ज़्यादा अच्छी लगी, तो देखते हैं। अब मैं इसमें पानी भर के यूज़ करूँगा, देखते हैं कितना ठंडा रहता है क्या है। बाकी स्मार्ट कप फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगा, अच्छा लगा मुझे काफ़ी, थैंक यू गाइस, वेलकम बैक। और यह है नेक्स्ट डे, और अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ दोस्तों खजराना मंदिर के बाहर, क्योंकि अपने साथ है अपनी छोटी सिस्टर। हेलो फ्रेंड्स। छोटी ये नहीं, मैं छोटा हूँ, ये मेरे से बड़ी है और मैं छोटी दिखती हूँ। हाँ ये छोटी दिखती है, बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आपने गांव वाले व्लॉग्स देखे फैमिली वाले तो आपको पता ही होगा संगीता के बारे में, नहीं देखे तो देख लो। और अभी ये इंदौर, मैं एक बार इंदौर आ चुकी हूँ। हाँ तो उसके व्लॉग बनाया था। हाँ वो भी व्लॉग बना, सब डले हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आप पहचान गए होंगे। इंदौर आई थी ये कुछ काम से, तो इसका काम हो चुका है, और जब से ये बोल रही है मुझे घुमा के ला तो
मैं कहा ठीक है चल, इसको आस पास में जो खजराना मंदिर ही है जो मुझे पास में लगा तो मैं यहाँ ले आया, क्योंकि एक्चुअली मुझे शाम को काम भी है इसलिए ज़्यादा दूर जाना तो नहीं हो पाया, तो मैं इसको खजराना मंदिर ले आया हूँ, दर्शन करना आएंगे गणेश जी के। यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी की पूजा करवाई थी, आप लोगों को मालूम ही होगा। वैसे फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो जाता है जब मैं इसके पास आती हूँ, वैसे इसको कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है, पर ये जब मैं आती हूँ तब ये बोलता है कि कहाँ जाएंगे यार, गर्मी है, सब दूर है यहाँ पे, कहाँ जाएंगे। तो फिर हम लोग फिलहाल मंदिर आए, चलो अच्छी बात है कि हम लोग मंदिर आए हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, ये भी अच्छा है। हाँ, और कंजूस वाली बात नहीं भाई, दोपहर में जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप लोग समझ सकते हो, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए बहुत भयंकर, और मुझे शाम को काम भी है, 5 बजे तक वापस आना रहता है, इसलिए कि अब निकलेंगे तो फिर सब चीज़ें आपको पता है इंदौर में, एक तो ट्रैफिक की वजह से इतना टाइम लग जाता है, फिर काफ़ी दूर भी है, तो बढ़िया, अब हम लोग इसको दर्शन करवाते हैं और देखते हैं उसके बाद का आगे का प्लान क्या है। जय गणेश बाबा। संगीता को दर्शन करवा दिए मंदिर के, और संगीता कैसा लगा तुझे दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और हमारी गाड़ी कैसी लगी बता तो? गाड़ी भी बहुत अच्छी है, वैसे मैं गाड़ी नहीं कहती, मैं बाइक कहती। हाँ मतलब गाड़ी बाइक एक ही बात है। और बैठ के दिखा भाई, बैठ के दिखा, इसके पैर भी नहीं पहुँचते दोस्तों, अभी ये फोटो खिंचवा रही थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अगर ये गिरा देगी तो फिर बताऊँगा मैं इसको, तो ठीक है तो देखूंगी ना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, चला सकती है तो यार है, चला सकती। कैसी लग रही मुझे? अच्छी लग रही, बड़ी लग रही है बस, बहुत तेरे पे बड़ी। मतलब हाइट कम है और सीधी करेंगे इसको तो गिरा देगी यार, लेकिन नहीं गिराऊं। अरे नहीं भाई, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है बिल्कुल। तो चलो दोस्तों, हम लोग थोड़ा बाहर जाते हैं, खाते पीते कुछ, और देखते हैं अगर कहीं घूमने का प्लान हुआ तो वो हम आपको दिखाते हैं। बाकी इसकी बस है रिटर्न की शाम को, तो इसलिए हम लोग का कहीं दूर का प्लान बनानी, इसलिए हम लोग मंदिर आए, तो फोटो वोटो खिंचवाने थे गाड़ी के साथ तो भी खिंचवा दिए हमने, लेकिन अब देख लो दोस्तों ये ऑन कैमरा बता रहा हूँ मैं, खिंचवा लिया, घूम लिया सब कुछ फ़ोटो वोटो, लेकिन ये पेट्रोल डलवाने से मना कर रही है, देख लो। पेट्रोल मैं क्यों डलवाऊंगी, पेट्रोल तो तुझे डलवाना चाहिए। नहीं नहीं, जो बैठता है वो पेट्रोल डलवाता है इस पे। तो मैंने चलाई नहीं है ना, मैंने चलाई नहीं है, अगर मैं चलाती, मुझे चलानी आती तो मैं खुद पेट्रोल डलवाती। नहीं नहीं डलवाएगी भाई ये, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, और पेट्रोल पंप पे जाके भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो क्या इसको डलवाना पड़ेगा। चलो भाई हम लोग निकलते हैं अब यहाँ से। भाई संगीता ने पेट्रोल तो डलवानी है, लेकिन खिलवा जरूरी है कुछ, मसाला डोसा है और है वाइट सॉस पास्ता। चलो भाई थैंक यू संगीता, गाड़ी को तो नहीं खिलवा रही है, हमें जरूर खिलवा रही है। हम लोग आ चुके हैं वापस रूम, जा रहे हैं, और संगीता ने ट्रीट दी है अपन को भाई, मसाला डोसा खाया और वाइट सॉस पास्ता खाया जो आपने देखा होगा, और इसने पेट्रोल भी डलवा दिया दोस्तों, ज़्यादा का नहीं डलवाया लेकिन ठीक है, जितना लगा उतना डलवा दिया, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वो मजाक में किया रहा था, खैर इसने अब सीरियसली लेके डलवाई दिया तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब ये जाएगी घर, आज निकल जाएगी तो शुक्र पहुँच जाएगी सुबह तक। जाने वाली हूँ, उसके बाद फिर अपन अगले ब्लॉग में मिलते हैं। हाँ इसके साथ अपन अभी मैं घर जाऊँगा तभी आएगी अगले ब्लॉग में, और मेरा प्लान बन रहा है दोस्तों अगले महीने स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की राइड का, तो मैं सोच रहा हूँ अगले महीने के राइड पर जाने का, गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो 3 दिन की ट्रिप रहेगी शायद से वो, अगर सब कुछ सही रहा जो प्लान के अकॉर्डिंग, अभी मेरा जो प्लान चल रहा है दोस्तों के साथ वैसे सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट मंथ आपको ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। बाकी अब इसको मैं बस में बिठा दूँगा शाम को, और ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलना। हाँ चलो बाय बाय।